दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हफ्ते का बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर एक और जहां अतिथि शिक्षक लगातार 2024-25 पर अपनी ज्वाइनिंग को लेकर नियुक्ति पाने को लेकर परेशान है और साथ ही जिनको नियुक्तियां मिल गई हैं उनके लिए अपने पद के स्थायित्व को बचाने के लिए लगातार संघर्ष जारी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर के समस्त अतिथि शिक्षकों के फिक्सेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट है। फिक्सेशन को लेकर कोई नई बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुला करके की थी। पार्टी उन्हीं की है, सरकार उन्हीं की है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते ही उनके आदेश जारी नहीं हुए। इस पर विस्तृत अपडेट हम दिखाएं, कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि यह अब तक का इम्पोर्टेंट अपडेट है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक एक बार फिर से राजधानी भोपाल की सड़कों पर शिक्षक दिवस के मौके पर एकजुट हो रहे हैं। अतिथि शिक्षक करिए पुकार, हमें नियुक्ति दो सरकार। ये नियुक्ति कोई अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग से संबंधित नहीं है। ये नियुक्ति शिवराज सिंह चौहान जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय की घोषणाओं के अनुसार परमानेंट नियुक्तियों की बात कही जा रही है। तो महापंचायत की घोषणाओं को पूरा करवाने को लेकर अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन के लिए बिगुल बजा दिया है। प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस को सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों से जुड़े 2 से 3 संगठन काम कर रहे हैं। 25 अगस्त 2024 की यहाँ पर बात हो रही है। 25 अगस्त को अतिथि शिक्षक संगठन से जुड़े पदाधिकारी भोपाल में एक बैठक में शामिल होंगे जहां शिक्षक दिवस पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में हर जिले के अतिथि शिक्षकों के जो संगठन है उनके पदाधिकारी शामिल होंगे। भोपाल में 25 अगस्त को होने वाली बैठक में प्रदेश के हर जिले से पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। अतिथि शिक्षकों के लिए करो या मरो की जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए पदाधिकारियों को ये हिदायत भी दी गई है कि बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना है। जो पदाधिकारी बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी सीधी तौर पर जाहिर सी बात है कि उनको उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं यहां पर पांचवी बार जो ज्वाइनिंग की तारीख अतिथि शिक्षकों के लिए डीपीआई ने बढ़ाई है उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग 1 से 7 अगस्त के बीच हो जाना चाहिए था, जैसा कि डीपीआई लोक शिक्षण में आदेश पहला आदेश जो 24/7/2024 को जारी किया था, लेकिन विभाग ने 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार इस डेट को बढ़ा दिया है। 21 अगस्त को एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में तारीख को बढ़ा करके 24 अगस्त यानी कि आज अंतिम तारीख कर दी गई। वहीं अगर इस बार डेट बढ़ती है तब क्या होगा। पांचवी बार बढ़ाई ज्वाइनिंग की डेट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में अतिथियों की ज्वाइनिंग 1 से 7 अगस्त के बीच हो जाना चाहिए थी, लेकिन विभाग ने 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार इस डेट को बढ़ा दिया। 21 अगस्त को एक आदेश जारी किया गया जिसमें 24 अगस्त तक स्कूलों में अतिथि शिक्षक जो पुराने हैं 23-24 के कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उनकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग 24 अगस्त की गई है। अब यहां पर देखिए, छठी बार अगर डेट बढ़ती है तो बैठक प्रभावित होगी। इसका असर पड़ेगा कैसे। अतिथि शिक्षकों का ही मानना है कि अभी विभाग और डेट को आगे बढ़ाएगा, यानी 25 अगस्त को प्रदर्शन की तैयारियों के संबंध में भोपाल में अतिथि शिक्षकों की एक बड़ी बैठक है। हालांकि इस डेट ये जो बढ़ेगी 24 के बाद की डेट तो इसको 30 या 31 किया जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी बैठक को, ये आप जानिए, क्योंकि 25 और 26 को शासकीय अवकाश है। इस खबर को प्रमुखता से एक्स पर बंसल न्यूज ने यहां पर उठाया है। आंदोलन से पहले मंथन राजधानी भोपाल में 25 को जुटेंगे अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी। शिक्षक दिवस पर प्रदर्शन की रणनीति बनाने का लेकर ये एक्स पर यहां पर बंसल न्यूज ने मुद्दा उठाया है। वहीं आगे बताया गया कि यदि विभाग 24 अगस्त से डेट का और आगे बढ़ाता है तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में उलझ कर कई अतिथि शिक्षक बैठक में नहीं पहुँच सकेंगे। अब यहाँ पर बड़ी चिंता क्यों हो रही है। इस बार इसकी ज्यादा चिंताजनक है।
बीते शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की कमी से बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट बिगड़ा। उम्मीद थी कि इससे सीख लेकर इस बार शिक्षकों के मामले पर स्थिति बेहतर होगी, लेकिन इसके उलट पूरी तरह से खिचड़ी मच गई है। नई भर्ती से अतिथि शिक्षकों के पद खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन भर्ती से चयनित शिक्षक कब तक ज्वाइन करेंगे इसका कुछ अता पता नहीं है। प्रमोशन से जो पद खाली हुए हैं उससे भी दिक्कत हुई है। संभावित ट्रांसफर के बाद हालात बिगड़ेंगे वो अलग ही है। और लास्ट में आप जानते हैं कि 30% का नियम अतिथि शिक्षकों के ऊपर लगा दिया जाता है। वहीं अगर हम बाहर हुए अतिथि शिक्षकों का आंकड़ा देखेंगे तो 13,000 अतिथि शिक्षक पहले ही बाहर हो गए हैं। बोर्ड रिजल्ट खराब होने के बाद शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 30% भी रिजल्ट नहीं देने वाले अतिथि शिक्षकों को दोबारा नहीं रखा जाएगा। वह नियम लागू भी कर दिया है वर्तमान 2024-25 के शैक्षणिक सत्र पर। अब इससे 13,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पहले ही जा चुकी है। ये बात और है कि उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूलों में कितना समय मिला ये अलग मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर डीपीआई के अधिकारियों को कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं अनुभवी अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता की बात भी की गई है। भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर के कारण कई अनुभवी अतिथि शिक्षकों की नौकरी या तो जा चुकी है या जाने वाली है। वहीं 14 अगस्त को अतिथि शिक्षक समन्वय समिति ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को एक पत्र सौंपकर अनुभवी अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने की बात कही थी। अतिथि शिक्षकों की क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे यहां पर बताई हुई है। देखिए, पहला जो मांग है, खाली पद पर अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति के आदेश तत्काल जारी किए जाएं। खाली पद यानी जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनकी ज्वाइनिंग तो ऑनलाइन माध्यम से ही हो रही है, लेकिन उसके बाद मान लीजिए कोई स्कूल है वहां पर पुराना अतिथि शिक्षक काम कर रहा था, उसकी जगह प्रमोशन या अन्य कारण से नियमित शिक्षक आ जाता है, तो दूसरी स्कूल पर जहां पद रिक्त है वहां पर पुराने अतिथि शिक्षकों को नए कैंडिडेट की तरह आवेदन के तौर पर मेरिट से अतिथि शिक्षक बनाया जाता है। लेकिन यहां पर संगठन की मांग है कि उस पुराने अतिथि शिक्षक जो पहले से काम कर रहा था और उस स्कूल में पद ना होने के कारण वहां पर अतिथि नहीं है, तो जहां पर पद है उन अतिथि शिक्षकों को जो पुराने हैं पहले उनकी नियुक्ति की जाए, उसके बाद फ्रेश कैंडिडेटों की नियुक्तियां की जाए। वहीं अनुभव वरिष्ठता के आधार पर विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित कर नियमित शिक्षक बनाने संबंधी भी दूसरा बिंदु रखा गया है। तीसरा बिंदु है, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों का पूरे एक साल का अनुबंध किया जाए। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने महापंचायत बुला करके घोषणा की थी। वहीं चौथा बिंदु रखा गया कि शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण और हर साल 4 नंबर अधिकतम 20 नंबर बोनस दिया जाए। ये कोई अतिथि शिक्षक संगठन ये बातें अपनी से नहीं कह रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनके लिए आदेश जारी करने का घोषणा किया था, लेकिन नए मुख्यमंत्री बने सरकार उसी पार्टी की है, लेकिन इन घोषणाओं के इन बिंदुओं के अतिथि शिक्षकों के हित में कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए। वहीं अगला बिंदु रखा गया कि महीने की निश्चित तारीख को अतिथि शिक्षकों को मानदेय देने का आदेश जारी किया जाए। अभी वर्तमान में अगर अतिथि शिक्षकों की हम मानदेय की बात करें तो अतिथि शिक्षकों को 3 से 4 महीने जब उनके काम हो जाता है, उनका महीने पूरा हो जाता है, तब उनको चौथे पांचवें महीने वजन आवंटन करके दिया जाता। हालांकि लोक शिक्षण के निर्देश जो आदेश जारी किए जाते हैं उसमें अंकित किया जाता है कि महीने खत्म होने के 1 या 2 तारीख के अंदर वेतन का भुगतान, मानदेय का भुगतान अतिथि शिक्षकों का हो जाना चाहिए, लेकिन डीपीआई जानबूझकर बजट ही नहीं देता है तो उनका भुगतान उस निश्चित तय तारीख पर कैसे किया जाएगा, ये भी एक विसंगति है। अतिथियों के सामने प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी चुनौती है वर्तमान में, जो कि इस बार अतिथि शिक्षक आर पार के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि विभाग की ओर से अब तक किसी भी अतिथि शिक्षक को ज्वाइन नहीं कराया गया, बल्कि ये प्रक्रिया 1 अगस्त से निरंतर जारी है। ऐसे में हजारों अतिथि शिक्षकों को अपनी जो स्कूलें हैं वहां पर वो पहुंच चुके हैं, और साथ ही ऐसे सवाल भी ये लगातार उठा रहे हैं, क्या स्कूलों में ज्वाइन कर चुके अतिथि इस आंदोलन एमपी गेस्ट टीचर प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे।
दिक्कत अतिथि शिक्षक संगठनों के समन्वय की भी है। ये संगठन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो सामने आया है जिसको आपने सुना होगा, जिसमें अतिथि शिक्षकों से जुड़े दो अलग अलग संगठन के पदाधिकारी आपस में बात करते सुनाई दे रहे हैं। इस पूरी बातचीत में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अतिथि संगठनों के बीच सब कुछ सही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितने ज्यादा संगठन होंगे उतने ज्यादा वहां पर अलग अलग विचार के लोग होंगे, उतने ज्यादा उनकी मांगे होंगी। हालांकि अलग अलग संगठन भले ही हों, लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जो सामान्य अतिथि शिक्षक है, जो कि केवल सरकार से यही चाहता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की उनके आदेश आप क्यों नहीं जारी कर रहे। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको गंभीरता से लेते हुए इसको वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ।